क्या क्या सुविधा मिल जाएंगी यहाँ पर? किसी टाइम भी आ सकते हो, किसी टाइम भी गाड़ी, फैक्ट्री, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। कुछ लोग आपका वीडियो में देख रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे जो किराए पर रहते हैं तो यहाँ पे आना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए भाई। कैसा एरिया रहने के लायक है कि नहीं? बहुत सही है, अच्छा है, यहाँ रहने के लिए कोई दिक्कत है ही ना, हर चीज़ की सुविधा है। हाँ, CLU पास है भाई, 143 पास है ये कॉलोनी हमारी, और आप पक्की रजिस्ट्री है यहाँ की लोनी नगर पालिका अशोक बिहार के नाम से, नेट पे भी चेक कर सकते। बहुत अच्छी लोकेशन पर, चारों तरफ आबादी है, पानी की टंकी बराबर में है। मैन हमारी जो कॉलोनी का बाहर 60 फुट से रोड आता है अंदर के लिए, वो 18 फुट रोड है। 18 जहाँ खड़े जी है। जी जहाँ हम खड़े ये 18 फुट का रोड है, और सामने हमारा देखो, सामने MS भाटी पब्लिक स्कूल, 10वीं तक का पब्लिक स्कूल है, सबसे बेस्ट कॉलोनी है, जो बिल्कुल मार्केट के टच में है, बिल्कुल मार्केट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है, और प्लस लोनी की जो बिल्कुल मार्केट है, मेन मार्केट, जिस तरीके से भजनपुरा और यमुना बिहार गोकलपुरी सिलमपुर की मार्केट है, इसी तरीके से मेन बाजार, मेन मार्केट यहाँ से 500 भी नहीं, कम 200 मीटर की दूरी पे मेन मार्केट है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसी वीडियो बनाई नहीं जहाँ पे आपको 50 मीटर पे स्कूल मिलेगा और 50 मीटर पे साइड के टच में 60 फुट का रोड मिलेगा और 85 मीटर पे आपको पानी की टंकी मिल जाएगी। तो ये साइड होने वाली है शानदार, और आज की वीडियो में होगा धमाका, क्योंकि ये है आपकी 10 बीघे की साइड। जी जी, और ऐसी साइड है जहाँ पे आप किस्तों में प्लॉट ले सकते हैं आसानी से। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ अपने किरायेदार भाइयों के लिए ईमानदार लोगों की वीडियो लेके आऊँ, तो आज हमारे पुराने ईमानदार भाई हैं, खुशबू प्रॉपर्टी से हैं, जान मोहम्मद भाई। तो भैया आपका नाम बताइए एक बार फिर। सर मेरा सभी को आदाब, मेरा नाम जान मोहम्मद है, खुशबू प्रॉपर्टी से हूँ। आज हम जो साइड लेकर आए हैं वो सबसे बेस्ट आज तक की हमारी 10-11 कॉलोनी है, लेकिन ये कॉलोनी हमारी सबसे बेस्ट कॉलोनी है, बेस्ट कॉलोनी, जो बिल्कुल मार्केट के टच में है, बिल्कुल मार्केट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है, और प्लस लोनी की जो बिल्कुल मार्केट है, मेन मार्केट, जिस तरीके से भजनपुरा और यमुना बिहार गोकलपुरी सिलमपुर की मार्केट है, इसी तरीके से मेन बाजार, मेन मार्केट यहाँ से 500 भी नहीं, कम 200 मीटर की दूरी पे मेन मार्केट है, और सामने हमारा देखो, सामने MS भाटी पब्लिक स्कूल, 10वीं तक का पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल हमारे रोड के इस तरफ हमारी कॉलोनी है, रोड के परली तरफ स्कूल है, बच्चा स्कूल घर से निकालना है और सीधा स्कूल में चले जाना है, नहीं छोड़ने के लिए नहीं जाना, ना ही किसी कन्वेंस की जरूरत है, बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन पर, चारों तरफ आबादी है, पानी की टंकी बराबर में है। मेन हमारी जो कॉलोनी का बाहर 60 फुट से रोड आता है अंदर के लिए, वो 18 फुट रोड है, 18 जहां खड़े जी जी जहां हम खड़े ये 18 फुट का रोड है। इस रोड पे हमारा 25 गज से स्टार्टिंग और 50 गज, 30 गज, 40 गज, 100 गज, 200 गज, कितना भी प्लॉट ले लो आप तुरंत मकान बना के रह सकते हो, लेकिन यहाँ का रेट थोड़ा महंगा है। कैश में 18,000 से स्टार्टिंग है और 20,000-22,000 तक का हमारा इंस्टॉलमेंट का रेट है यहाँ से, जी इस सोसाइटी पे, क्योंकि ये भरी हुई आबादी में और बिल्कुल मेन हाईवे के टच में है। हाईवे से आप मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल रियल। लोग वीडियो बनवाते हैं, शूट करवाते हैं, उनमें झूठ सच बोलते हैं, कहते हैं कि 2 से 2.5 किलोमीटर, लेकिन 5-5 किलोमीटर हमारा, आप रीडिंग चेक कर लेना, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है यहाँ से, 50 मीटर की दूरी पर स्कूल है, 60 फुट रोड से अंदर ये हमारा 18 फुट का रोड है, ये हमारी कॉलोनी। इसके बराबर में जो अलग कॉलोनी है हमारी, वहाँ 8,000 से स्टार्टिंग है, 8,000 से और 20-22-25,000 रुपए गज तक के हमारे पास कॉलोनियों के रेट हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इसके रेट आपके 18,000 रुपए गज के? जी जी, यहाँ जी किस्तों में लेता तो 20,000 रुपए गज। इसके अलावा आपके पास 4-5 सोसाइटी जो भी है जी, उसके जो रेट है वो 8,000 रुपए गज से स्टार्ट है, 8,000 रुपए। हमने पहले बनाई थी आपकी वीडियो, 8,000 रुपए गज की सोसाइटी थी, काफी अच्छी सोसाइटी थी, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आपकी और सोसाइटी होंगी। तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर एंट्रेंस के रोड कितने बने? जैसे वो रोड देख पा रहा हूं, सभी रोड हमारे 15 फुट के रोड है अंदर। हाँ, अंदर की जो हमारी गलियां हैं वो सारी 15 फुट की हैं। मेन हमारा बेस ये 18 फुट का रोड है, 60 फुट से एंट्री है, बाहर मेन काला रोड है, RCC रोड है, उसके वो कितने फुट का? वो 60 फुट रोड है भैया, स्कूल के बगल में, जो स्कूल के बराबर में सामने रोड है वो 60 फुट का रोड है, 60 फुट से 18 फुट का रोड है हमारा, ठीक है जी। और सोसाइटी का आपने नाम क्या रखा हुआ है? इस ये हमारी लोनी में ही लग, अशोक बिहार कॉलोनी के अंदर है, इसका नाम हमारा अशोक बिहार के ही नाम से ये कॉलोनी है, अशोक बिहार, हाँ अशोक बिहार के बीचों बीच है, ये सारा अशोक बिहार का एरिया है, अशोक बिहार के बीच के अंदर ही कॉलोनी है, अशोक बिहार के नाम से यहाँ की रजिस्ट्री होगी, ठीक है। अब सोसाइटी की बात करें तो बेसिक चीजें होती है जैसे बिजली, पानी, और आपकी जो सुविधा होती है वो कैसी है? यहाँ पे आपकी सुविधा ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह कैसे देते हैं? देखो भैया, यहाँ आप देख सकते हो, आप बैटरी रिक्शा, आप कैमरा अगर घुमा के देखोगे तो अभी आपको बैटरी रिक्शा दिख जाएगा, ऑटो दिख जाएगा, यहाँ हर मिनट में आपको कन्वेंस मिलेगी, कन्वेंस की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हाईवे रोड है, ठीक है। आप पैदल मार्केट में से होते हुए बाहर रोड पे जा सकते हो, बिल्कुल भरा हुआ एरिया है यहाँ से, यहाँ आपको कन्वेंस की। और दिक्कत रही पानी की बात, पानी आप समर सेबिल का भी लगा, अपना समर सेबिल भी लगा सकते हो,
पानी आप सप्लाई का पानी भी ले सकते हो, टंकी बराबर में है, हमारे यहाँ सप्लाई का पानी भी है और लाइट 24 घंटे लाइट है, मीटर लगा है, सबके मकान बने हुए हैं, सबके घरों में मीटर लगा है, लाइट है, आप खुद देख सकते हैं, ये चीज बताने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, साइड इतनी बढ़िया है, चारों तरफ आपको सोसाइटी मिलेगी, बसावट मेरे लेफ्ट में भी यहाँ बसावट है, राइट में भी है और सामने भी बसावट है, और ये पूरा एरिया जो कितने बीघे में फैला हुआ है, ये 10 बीघे का एरिया है हमारी जो कॉलोनी है, 10 बीघे। वैसे तो अशोक विहार बहुत बड़ी कॉलोनी है, मेन हाईवे रोड लोनी, मेन हाईवे जो रोड है लोनी, वहाँ से रोड हाईवे रोड से स्टार्टिंग होती है और अंदर तक यहाँ तक बहुत बड़ी कॉलोनी है हमारा, कॉलोनी के बीच में ही 10 बीघे की कॉलोनी, 10 बीघा जमीन खाली पड़ी थी, इसमें हमने डिमार्केशन की है, ये जमीन खरीदी है, इसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, नई कॉलोनी हमारी है। तो इसमें कितने कितने गज के आपके प्लॉट मिल जाएंगे भैया? यहाँ 25 गज का मिनिमम प्लॉट, छोटा प्लॉट लोगे 25 गज से स्टार्टिंग है, कुछ गहराई हमारी यहाँ 20 की 22.5 की गहराई है, 25 फुट पे 11 फुट का फ्रंट आ जाएगा आपका, 25 गज के 30 गज पे 12 फुट का फ्रंट आ जाएगा, 25 से और 50, 30, 40, 50, 100, 200 जितना भी ले सकते हैं ऊपर, मिनिमम 25 गज मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब जमीन की बात की जाए, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या दे रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, जमीन आपकी एनओसी पास है, सीएलयू पास है, थोड़ा वो बताओ। हाँ, सीएलयू पास है भाई, 1143 पास है ये कॉलोनी हमारी, और आप पक्की रजिस्ट्री है यहाँ की लोनी नगर पालिका अशोक विहार के नाम से, नेट पे भी चेक कर सकते हैं। जो 143 पास जा रहा है जिसे हम आपका चैंड ऑफ लैंड यूज भी बोलते हैं, सीएलयू पास बोलते हैं, 143 बोलते हैं जी, और भी कई चीजों से इसको नाम जाना जाता, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे देंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो भी वीडियो देख के आते हैं तो हमारे जान मोहम्मद भाई के पास आएंगे, आपको रजिस्ट्री चेक करवाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे, आपको सीएलयू पास के डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे, जब आपको संतुष्टि हो जाए तब आप अपलोड लीजिए। बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, झूठ की दुकानदारी, मैं सामने बोलता हूँ, झूठ की दुकानदारी नहीं करेंगे, जो भी बताया सत्य बताएंगे। दोबारा वीडियो बना रहे हैं, पहले भी वीडियो बनाई थी, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा था? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत सारे क्लाइंट आए हमारे पास, सबने, बहुत सारे लोगों ने प्लॉट लिए हैं। अदरवाइज इस कॉलोनी, ये तो हमने अभी स्टार्टिंग करी है, इस सड़क जो हमारी और कॉलोनी है, हमारी खजूरी पुस्ता रोड पे भी एक कॉलोनी है जहाँ की आपने वीडियो भी शूट की थी, वहाँ भी काफी प्रोग्रेस, वो तो करीब करीब हमारे पास अब दूसरी कॉलोनी खरीदने का इरादा है, 600 गज जमीन मात्र रह गई, सारी बिक चुकी वहाँ पे, सारी बिक चुकी जी जी। और एक आपकी वो दिल्ली के 0 किलोमीटर पे थी, वो कौन सी? जी जी, वो सब निकल गई वहाँ पे, वहीं की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ खजूरी पुस्ता रोड के नीचे जो दिल्ली 0 किलोमीटर दूरी पे था, वहाँ करीब करीब सारी जमीन हमारी बिक चुकी है, 500-600 गज हमारी बाकी है मात्र वहाँ पे। बढ़िया, तो अगर वहाँ पे कोई जमीन लेना, सस्ती वाली जमीन अभी आपके पास अवेलेबल है? जी जी जी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बात किया है कनेक्टिविटी की, तो यहाँ से किसी को जाना है आपका शिवबिहार मेट्रो जाना है, वो तो आपने बता दिया, यहाँ से जाना है आनंद विहार जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो कहाँ पर है भैया? यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे लोनी हनुमान मूर्ति रोड, लोनी तिराया बोलते हैं जिसको, हनुमान मूर्ति, हनुमान चौक बोलते हैं जिसे, वो देखा होगा, वहाँ से आपको कन्वेंस मिलेगी सीधी गाजियाबाद के लिए, मोहन नगर के लिए, आप मोहन नगर से, यहाँ से मोहन नगर चले जाओ, मोहन नगर से आनंद विहार जा सकते हो, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे पैदल का रास्ता है, जरूरी नहीं है आप कन्वेंस लेकर जाओ, ठीक है, बहुत नजदीक में यहाँ से चौक है, हनुमान चौक है, और रेलवे स्टेशन यहाँ से राइट हैंड पे हमारे जो खरखड़ी रेलवे स्टेशन रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, जो नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से सहारनपुर हरिद्वार देहरादून के लिए ट्रेन है, ठीक है। बस स्टैंड वगैरह? बस स्टैंड हमारा यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर बाहर हाईवे रोड पे निकल के, मेन रोड पे, मेन हाईवे लोनी रोड पे, लोनी सहारनपुर रोड पे। अब जैसे मैंने बाहर देखा था, वहाँ पे सामने आपके रेस्टोरेंट बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं बहुत सारे जी, बैंक्स बने हैं, तो वो सुविधाएं बता दीजिए एक बार। हाँ हाँ, सारी सुविधाएं भैया, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे बैंक भी है और एटीएम वगैरह, मॉल वगैरह, मतलब यहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, स्कूल, स्कूल तो हमारा खैर सामने ही है, स्कूल की तो बात की जाए, होटल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, 500 मीटर की, हॉस्पिटल भी, सब जितनी भी सुविधाएं हैं वो 500 मीटर की दूरी पे एरिया में सब कुछ है यहाँ, ये एरिया भरा हुआ एरिया है, बसावट के बीचों बीच है, यहाँ सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको, आप एक बार आके विजिट करो हमारे पास, आके देख सकते हो, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, एक बार देखो लोकेशन देखो, आपको कन्वेंस की भी जरूरत नहीं है, शिवबिहार मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, मेट्रो स्टेशन पर आने के बाद में ऑटो पकड़ने के बाद में अशोक विहार 30 फुटे रोड पर उतर जाओ और पैदल अंदर हमारी कॉलोनी पा सकते हो। हम लोग भी खुद जब वीडियो शूट करने के लिए आए थे तो बाहर से पैदल ही आए थे, भैया ने बोला ऑटो की जरूरत नहीं है, आप इजीली आ जाओगे, सामने जब आए तो एंट्रेंस की सोसाइटी मिली और सोसाइटी के सामने, आपके सामने जस्ट सामने 50 मीटर पर आपका स्कूल भी है, तो सारी चीज़ें मिली है। बाकी लास्ट में वीडियो को समाप्त करते हुए, जो हमारे किरादार भैया दिल्ली इंसान किराए पर रहते हैं, जो महीने का 4,000-5,000-10,000 किराया भर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर ये है कि वो जो किराया दे रहे हैं उनमें 2,000-5,000 रुपये बढ़ाकर 10,000 रुपये, 50 गज के 25 गज के प्लॉट पर हमें 10,000 रुपये किस्त दे सकते हैं, अपना हैंड टू हैंड 25%, 10%, 15%,
15% पे अपना पोजीशन ले सकते हैं, और बाकी हमें इंस्टॉलमेंट 2.5 साल की 3 साल की हम इंस्टॉलमेंट बना देंगे, बाकी जितना आप किराया दे रहे हैं उतना हमें देते रहो, प्लॉट आपका हो जाएगा। पक्की बात है जी? जी बिल्कुल भाई साहब, तुरंत पोजीशन देंगे। बढ़िया तरीके से बताना, कोई गलत बात नहीं। नहीं नहीं भैया, किसी को भेजो आप, आपको खुद यकीन हो जाएगा। 25% 15% जमा करवाओ, मकान बनवाओ, उसका तुरंत बाकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे। ठीक है, कोई गरीब आदमी ऐसा होता है जिसके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है जी, तो उसके लिए कोई मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखो अगर उसका 25% उसको पहले जमा करना पड़ेगा, 25% जमा करने के बाद में हम उसका मकान बनवा के दे देंगे, जितना पैसा लगेगा वो उसका लगेगा, वो हमारी पेमिट जो बकाया रहेगी 25% जमा करने के बाद उसमें प्लस कर दी जाएगी, और सारी टोटल पेमिट की इंस्टॉलमेंट बना देंगे। जैसे किसी ने 25 गज का प्लॉट लिया जी, इस सोसाइटी में 5 लाख रुपए का जी, तो 5 लाख रुपए आपको देगा, उसके अंदर मकान बना के दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जो पैसा किस्तों में देना है सब किस्तों में, हाँ वो बाकी किस्तों में देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ना मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ, और वीडियो शूट करते करते कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं जो कि सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं, इनसे मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। आपके क्या नाम भैया? वकील मलिक। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं सामने ये टंकी के पास। कैसा एरिया रहने के लायक है कि नहीं? बहुत सही है, अच्छा है, यहाँ रहने के लिए कोई दिक्कत है ही ना, हर चीज़ की सुविधा है। क्या क्या सुविधा मिल जाएंगी यहाँ पर? किसी टाइम भी आ सकते हो, किसी टाइम भी गाड़ी, फैक्ट्री, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। नौकरी वगैरह की सुविधा सब है, फैक्ट्री पड़ती है टोनिका सिटी फैक्ट्री पड़ती है ये नज़दीक, फिर इधर ये खड़खड़ी स्टेशन पड़ता है, यहाँ से कहीं दिल्ली जाने के लिए मेट्रो पड़ती है ऐसी बिहार। तो भाई जी जैसे जो कुछ लोग आपका वीडियो में देख रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे जो किराए पर रहते हैं तो यहाँ पे आना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए भैया यहाँ। क्या रीज़न है? हर चीज़ की सुविधा नज़दीक है यहाँ पर, कोई चीज़ की दूरी नहीं है यहाँ पर। आप दिल्ली भी काम करते हो तो मेट्रो यहाँ से 2-3 किलोमीटर के एरिया में है, स्टेशन तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर पे ही पड़ता है, दिल्ली जाने के लिए हर टाइम का फायदा है, किसी टाइम भी आ सकते हो यहाँ। मैंने सुना है यहाँ से मेट्रो जाने वाली है सामने से। हाँ फ्लाईओवर चल रहा है, चालू हो रहा है, खजूरी को निकल रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। जब आपने प्लॉट लिया होगा तो जब रेट सस्ते होंगे, रेट बढ़े हैं उसके? बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर डेवलपमेंट होगा वहाँ पे आपको रेट बढ़े हुए हमेशा मिलेंगे, तो ऐसे ही एरिया डेवलपमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भाई आज की शानदार वीडियो को खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो पे कमेंट्स किया करो, अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, कोई कमी है तो आप कमेंट में बताया करो, बाकी अपना फीडबैक जरूर करो, वीडियो को लाइक करके डिसलाइक करके, ताकि मुझे पता लग पाए कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है, कमी अगर होती है तो मैं उसको आगे उसको ठीक करूंगा, और आपसे उससे लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कि आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हर किराएदार को, हर रिलेटिव को शेयर करो, हमेशा कह रहा था कि आपके शेयर करने से कोई ना कोई किराएदार भाई, कोई ना कोई आपका रिलेटिव किराएदार से मकान मालिक बन सकता है, यही मेरा मकसद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।